दोस्तों फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। दोस्तों आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं उसमें कैमरा का यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम को बहुत ही इजीली बना देगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मल्टीपल कैमरा कैसे यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपने एक से ज़्यादा कैरेक्टर यूज किया हुआ है और सब पे एक एक कैमरा लगा रखे हैं, तो उस कैमरे को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे फोकस देते हैं, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मुन्ना पटेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब की चैनल इजी वे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने ये यहाँ पे सीन क्रिएट किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दो पेड़ लगाए हुए हैं। ठीक है, आपके मन में सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि ये पेड़ हम कैसे बनाते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा कि हम पेड़ कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे पहली बात आप देख सकते हैं कि 7 प्रेस करता हूँ मैं, टॉप व्यू से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 कैमरे यूज़ किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैमरा हो गया, ये दो हो गया दूसरा, और यहाँ पर तीसरा कैमरा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स इन कैमरों का यूज कैसे करेंगे, तो पहली बात आपको बता दूं कि ये कैमरा मैंने 3 कैसे किए। तो या तो आप यहाँ पे जाइए, कहीं पे भी सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट ए प्रेस कीजिए और आ करके यहाँ पे कैमरा को ऐड कर लीजिए। जैसे ऐड करेंगे यहाँ पे एक और कैमरा हो जाएगा। ऐसे ही करके 10-12 कैमरा यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसी को शिफ्ट डी प्रेस करके कॉपी करते जाइए, ये अलग कैमरा बन जाएंगे। तो मैं फ़िलहाल इन दोनों को हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों कैमरे हैं मेरे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले कैमरा व्यू हम देख लेते हैं। तो कैमरा व्यू हम कैसे देखेंगे, मानिए आपके पास 3 कैमरे हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बच्चे बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए, ये हमारे मास्टर जी हैं। ठीक है ना, काफ़ी हैंडसम है। ओके, एंड देन आप कैमरे को, मैं व्यू पहले आपको बता दूँ कैमरा का व्यू कैसे देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे की को ऑन कर देता हूँ, डिस्प्ले गुड। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे जितने आपके कारनामे हैं ना, जितने आपने काम किया हुआ है वो आपको यहाँ पे देख जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा कैमरा है, यहाँ पे कैमरा है, एक कैमरा है, यानी 3 कैमरे यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले कैमरा का हम नाम दे देते हैं ताकि हमें यूज करने में आसानी हो। तो इस कैमरे पे जाके मैं डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह का एडिट मोड आ जाएगा। तो इसका मैं नाम देता हूँ 1, यानी कैमरा 1। इसका मैं नाम देता हूँ कैमरा 2। ठीक है जी, और इसका मैं नाम देता हूँ कैमरा 3। ओके जी, लीजिए। अब कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं 7 प्रेस कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। गुड, अब देख सकते हैं यहाँ पे इस कैमरा सिलेक्ट हुआ है क्योंकि ये कैमरा 3 है। 1 करूँगा तो देखेंगे अब 1 कौन सा है, ये 1 हो गया। ठीक है, 2 कौन सा है, तो 2 हो गया। देखिए जैसे ही मैं इस कैमरे पे मतलब सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो वाला कैमरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जा रहा है। जब कैमरा 1 पे सिलेक्ट करूँगा उसके बाद से कैमरा 1 की व्यू देखने के लिए आपको सिर्फ 0 प्रेस करना होता है, तो कैमरा 1 की व्यू आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब बात हुई कैमरा 2 की व्यू देखने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो आप कैमरा 2 को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल प्रेस करना होता है, कंट्रोल प्रेस कीजिए और 0 प्रेस कीजिएगा तो आपको कैमरा 2 का व्यू दिख जाएगा ऐसे। ठीक है, बात करते हैं कैमरा 3 की, तो यहाँ पे 3 प्रेस करूँगा और कर्सर को फ्रेंड्स इस विंडो के बीच में रखना है। अगर यहाँ पर रख के प्रेस करेंगे तो आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं कर्सर को यहाँ पे रखता हूँ और फिर से कंट्रोल और 0 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा 3 का व्यू आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से, तो हमारा कैमरा 1 का व्यू आप देख सकते हैं, कैमरा 1 मेरा ये ऐसे हो गया, यानी यहाँ पे ये बंदे पे फोकस होता है, कैमरा 1 का व्यू है। ठीक है, कैमरा 2 का मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे इनके बैक पे फोकस करता है। ठीक है, और कैमरा 3 की बात करूँ, फिर कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा तो फ्रंट पे, यानी कैमरा 1 बिल्कुल यहाँ पे कैमरा 1 काम कर रहा है, इस बच्चे पे शो अप कर रहा है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो ये बैक पे फोकस कर रहा है, यानी बच्चों को भी दिखा रहे हैं और इनके हमारे जो यहाँ पे हमने टीचर का यूज़ किया हुआ है इसके बैक पे फोकस करता है। और इस कैमरे की मैं बात करूँ
कैमरा नंबर 3 की तो पूरे फ्रंट पे फोकस करता है इनके, ठीक है ना, और इनके बैक पे फोकस कर रहा है, यानी बच्चों के बैक पे। और यहाँ पे जो हमारा टीचर्स का यूज़ किया, मैंने यहाँ पे फ्रंट पे यूज़ कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया हमारे कैमरे के सेटअप, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात हो गई कि कैमरे का सेटअप तो कर लिया, लेकिन कैमरे का यूज कैसे करेंगे यहाँ पे हम, जब यहाँ पे की फ्रेम यूज़ करते हैं टाइमलाइन में, तो हम कैमरे का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बता दूँ फ्रेंड्स कि जो मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्री का मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, यह ट्री जब हम रेंडर करते हैं तो कैसा दिखता है, उसकी मैं यहाँ पे एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, क्योंकि रेंडर में काफ़ी टाइम लगता है अगर मैं आपको रेंडर करूँ तो। मैंने पहले से ही ऑलरेडी रेंडर करके यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये मेरा रेंडर किया हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी ट्री है कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है, और ये भी दोनों के दोनों अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे नीचे बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे टीचर इन लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए मैं अब यहाँ से कट करता हूँ, इसी का मैंने यहाँ पे वॉलपेपर लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब कैमरे का यूज़ करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना है कि पहले हम कौन से कैमरे को सिलेक्ट करें। तो कैमरे व्यू में चले जाइए, कंट्रोल 0 प्रेस कीजिए, कैमरा व्यू, यानी अगर आप इसको लेना चाहते हैं, कैमरा नंबर 3 को लेना चाहते हैं, तो कैमरा नंबर 3 को सेलेक्ट कीजिए। कैमरा 1 मुझे लेना है तो कैमरा 1 को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कर्सर को यहाँ पे स्क्रीन पे ले जाता हूँ, एंड देन मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ, तो कैमरा नंबर 1 यहाँ पे आ गया। अब कैमरा नंबर 1 जो शुरू होगा मुझे यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यानी फ्रेम 1 से मेरा कैमरा नंबर शुरू होता है। तब अब कैमरा को मैं मार्क करूँगा, यहाँ पे एम प्रेस कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कैमरा ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका कर्सर है वो स्क्रीन पे नहीं रहना चाहिए, ये यहाँ पे रहना चाहिए। फिर आप एम प्रेस कीजिए, लीजिए एम प्रेस कर दिया मैंने। यहाँ पे हमारा कैमरा का यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्क हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे एट टाइम आकर यहाँ पे शुरू हो गया। उसके बाद से इसे बाइंड करना होता है कैमरे को, तो आपको क्या करना है, यहीं पे आपका कर्सर होना चाहिए और कंट्रोल बी प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे यहाँ पे ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपका मेन तो कैमरा हो गया, अब आपको यहाँ पे चाहे तो जितना भी आप एक्शन देना चाहते हैं अपने करेक्टर को दीजिए, ठीक है ना। एक्शन देने के बाद आपको क्या करना है, अब मानिए यहाँ तक 40 फ्रेम तक आने के बाद ये मेरा कैमरा नंबर 2 चालू होगा, तो उसके लिए जैसे यहाँ पे 40 सेकेंड तक मैंने जितना ही इसमें काम करना है मैंने कर लिया एनिमेशन का, ठीक है ना। अब मुझे दूसरे कैमरे पे फोकस देना है, यानी 40 सेकेंड आने पर अब मेरा दूसरा कैरेक्टर बोलेगा, तो अब मैं सेकेंड कैमरा नंबर जिस कैमरा को मुझे सेलेक्ट करना है वहाँ पे कर लूँगा, यानी जिस कैमरे को मुझे काम देना है यहाँ पे मैं कर लूँगा। और ये करने के बाद मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपको कंट्रोल 0 प्रेस करना है, आपका यहाँ पे आ गया कैमरा नंबर 2, आपका यहाँ से हो गया। फिर वही काम करना है, यहाँ पे ला कर ये कर्सर को मार्क कर लेना है, ठीक है, मार्क कर लिया मैंने, कंट्रोल बी करूँगा ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो काम देना है इन सबको बुलवाना है, जो भी एक्शन देना है आप दीजिए, ये आपको 40 फ्रेम 80 फ्रेम जितना भी रखना है आप रख लीजिए। तो मैं 80 फ्रेम तक इसको रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद से मैं कैमरा नंबर 3 काम करेगा, तो कैमरा नंबर 3 को मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर वही काम करूँगा, कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा, और यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद से फिर से मैं कर्सर यहाँ पे ले जाऊँगा, एम प्रेस करूँगा मार्क हो जाएगा, कंट्रोल बी प्रेस करूँगा ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक चलेगा, लगभग 120 तक मुझे रखना है। फिलहाल आप जितना के एक्शन देना चाहते हैं, अगर इन्हें बुलवाना चाहते हैं तो बुलवा सकते हैं। इसमें मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बता दिया है कि कैसे हम अपने कैरेक्टर से बात कराते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, मैं 120 तक ही रहने देता हूँ, ठीक है जी, गुड। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 120, ठीक है, 120 अपने आप हो गया। अब हमें देखना है फ्रेंड्स ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से शुरुआत करते हैं, देख सकते हैं आप काम कर ही रहा है। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। अब हमारा काम हो गया है, सिर्फ कैमरा का, मैं यहाँ पे मल्टीपल कैमरा का यूज़ के बारे में बताया मैंने, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ ये हमारा कैमरा व्यू हो गया। अब यहाँ से मेरा शुरू होता है तो पहला कैमरा का व्यू है, तो ये 40 तक चलेगा। लीजिए अब दूसरा मेरा व्यू आ गया, दूसरा कैमरा काम करने लगा, अभी भी 80 तक चलेगा। अब लीजिए तीसरा कैमरा व्यू काम करने लगा। तो फ्रेंड्स इस तरह करके आप मल्टीपल कैमरा यूज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरफ से मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।